अनफॉर्चुनेटली आज तेरा लास्ट दिन है, कल से देखो 3 महीने की सैलरी कंटिन्यू घर पे बैठ के मिलेगी। पब्लिक एयरपोर्ट से वैकेशन जा रही, तू उड़ गया है, जा वापस मत आ। बाकी का जो तेरा हिसाब का पैसा है वो तेरे को 3 महीने के बाद आ जाएगा। एकदम फेवरेट पॉलिटिक्स। ये हरकत किसकी है? ये मैनेजमेंट की। अलशाह कंपनी एक नंबर है भाई। पब्लिक जो मैनेजमेंट है ना, अभी दुनिया इधर उधर हिल रही क्यों है? क्योंकि अपन लोग मैनेज कर रहे हैं ना, बराबर नहीं कर रहे अपन लोग, किसी को अच्छा, किसी को बुरा, किसी को ज़्यादा, किसी को कम, ये कर रहे हैं। तो वहाँ पे भी वही शॉर्ट हो रहा है। अपने को टेंशन नहीं है, मैं एकदम खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं भाई, कसम से। मेरे को मेरे दोस्त लोग को भी पूछेगा ना, मैं एकदम फ्री, मेरे को पूछ रहे हैं अब क्या करेगा, मैं बोला क्या, कौन खास है, हाँ ये खास है, इसको मत उड़ा, ये अच्छी दिखती है, इसको वटा, और हाँ ये इसको आन दे, इसको उड़ा दे, इसको बहुत ज़्यादा समझ में आ रहा है। ऐसा रोल होता है अंदर ही अंदर, खुली ऐसी अल्फाजों में, हिंदी में, समझ रहे क्या? सो व्हाट, सब क्या बोलती पब्लिक, अंटाइवा बोलते क्या, क्या बोलते भाई लोग, कैसे हो? बहुत अलग न्यूज है आज, मेरी जॉब छूट गई है, मेरे को टर्मिनेट कर दिए ले, और मेरे को अकेले को नहीं किए, आई थिंक 700-800 जन की लिस्ट है। लेकिन शॉर्ट क्या हो गया देखो ना भाई, सडनली मेरे को उड़ा दिए ले। तो मैं बताना चाहता हूँ कि कैसा क्या प्रोसेस हुआ, और वो लोग के पास भी आऊँगा जो ऑलरेडी स्टारबक्स में अभी प्रोसेस में है, आने वाले थे, अभी क्या हुआ क्या नहीं उन लोग के लिए भी बताऊँगा। मेरे साथ शॉर्ट ऐसा हुआ, सब चीज़ नॉर्मल चल रहा था, तो हुआ ये कि मैं स्टोर में गया, ड्यूटी गया, निकला, दूसरे दिन मॉर्निंग में मेरे को मैसेज आया कि तुझे कल मीटिंग में जाने का हेड ऑफिस। मैं समझ गया कि उड़ा दिए मेरे को, और क्यों इतने लोगों को टर्मिनेट कर रहे हैं, उसके पीछे भी रीज़न है, एक तो रीज़न है और दूसरा पब्लिक का फॉल्ट है। मेरा क्या फॉल्ट है वो भी बताऊंगा, मेरे साथ क्या रोल हुआ वो भी बताऊंगा। तो मेरे को ऐसा पूरा किए लोग मैसेज किए, मैं गया दूसरे दिन हेड ऑफिस में, 25 लोग बैठे, तो मैं सबसे लास्ट में, मेरा 9:15 का टाइम था, मैं 9:30 को गया हूँ, मैं जैसे ही गया मैं जाके बैठा, मेरे को 2-3 अपने पहचान के लोग दिखे, तो उन लोग भी लिस्ट पे, तो बोले क्या होएगा क्या होएगा, मैं बोला क्या होएगा, उड़ा दिए ले। फिर बाद में एक आई 1115823, मैं बोला यस मैं हूँ, तो कम हियर भाई 25 नंबर से पहले नंबर पे लेके आके बिठा दी ली मेरे को। अरे माँ कसम, नंबर 1 पे था मेरा नाम लिस्ट में उड़ाने में, समझ रहे क्या? मैं बैठे लाऊ और फटफट, फिर बाद में अंदर बुलाए, मेरे एरिया मैनेजर ब्रिटिश है, बहुत अच्छी है वो, मेरे को लास्ट में एंड ऑफ द लाइक निकलने के, अपनी स्टारबक्स की जर्नी ख़त्म होने के टाइम मिली, समझ रहे क्या? तो भी उसने मुझे वीडियोस से लेके, हर चीज़ से लेके क्या फीडबैक देती थी मालूम, कीप गोइंग, गुड जॉब, कीप गोइंग, रुक मत तू, चलते रहे तू, करते रहे। और जो बाकी लोग पहले मेरे साथ में हरकत किए, यहाँ पे मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, वो लोग वो रीज़न की वजह से, वही सारी चीज़ों की वजह से मेरे को उड़ा दिया कि मैं वीडियोस बनाता हूँ, मैं ये लोग कैसा केमिकल वाली दारू नहीं पीता हूँ बैठ के, समझ रहे क्या? ये सब एड़े चाले में नहीं रहता हूँ, मैं अपने में रहता हूँ, समझ रहे? अपना वन साइड मचाता हूँ, किसी का सुन के नहीं लेता हूँ, अगर गलत हूँ तो सुनूंगा, सॉरी भी बोलूँगा, अपोलोजाइज भी करूँगा, बट नहीं हूँ तो फिर वो टाइम पे अपनी हैबिट है वैसी भाई, रोक बाई टोक रहने की, तो किसी को नहीं जमता वो चीज़, तो हो गया वो, चली से समझ में आता है। मैं डायरेक्ट एंट्री लिया, नहा धो के, फ्रेश हो के, शैम्पू वैम्पू करके, रावस एकदम डीसी मार के, रोल इन रोलेक्स मचा के चल दिया था वो टाइम पे। घुसते साथ ही मैं बोला हेलो मैम हाउ आर यू, हाय सर, ऐसा हाथ मिला रहा हूँ, और पब्लिक आंसू फेंक रही है बैठ के टेबल पे, माफ़ी मांग रही है, काम दे दो प्लीज़, ऐसा कर दो वैसा कर दो, ये कर दो वो कर दो, मैं हाथ बात मिलाया उन लोग से। फिर बाद में मेरे को बोलते हैं सॉरी ऐसा वैसा, तू मेरे डिस्ट्रिक्ट में था, अनफॉर्चुनेटली आज तेरा लास्ट दिन है, कल से तेको 3 महीने की सैलरी कंटिन्यू घर पे बैठ के मिलेगी, अलशाय का एडवांटेज का टू यूज़ कर सकता है, ऐसा ऐसा है, बाकी का जो तेरा हिसाब का पैसा है वो तेको 3 महीने के बाद आ जाएगा, ऐसा सब शॉर्ट हुआ। बाद में मेरे को बोलती है तो देखो टर्मिनेट कर दी कंपनी ने आज, मैं बोला नो प्रॉब्लम मैम, इट्स ओके, कसम से बाय, मैं सीधा बोला उसको, मैं बोला नो प्रॉब्लम, वेर आई हैव टू साइन, 2 पेपर था, एक टर्मिनेशन लेटर साइन किया, दिस वन ऑल्सो, तो बोलती यस, उस पर भी साइन किया दिया, इट्स ओके, ऐसा मैं ऐसा निकला भाई, मेरी एनर्जी वो ये थी वो टाइम पे, जब मैं मेरी रोजी रोटी पे ढलते लोग जिससे अपना कुछ रिलेशन है ही नहीं, सिर्फ जलन, समझ रहे क्या, खींचने का कैसा, खुद स्टोर मैनेजर की पोजिशन 15-20 साल हो गए स्टारबक्स में, फिर भी अपने लोग को, भाई मेरे को छोड़ो, चलो 5.5-6 साल हो गया, लेकिन कुछ पब्लिक अपने ही, सब इंडियन नेपाली थे, अपने ही पब्लिक, समझ रहे क्या, बेचारे 2 साल हुआ है मेरी वीडियो देख के आए, 2 दिन पहले फ़ोन करके मेरे को पूछ रहे भाई मैं वैकेशन जा रहा हूँ, इन लोग ऐसा ऐसा उड़ा रहे, मैं जाऊँ क्या नहीं जाऊँ, उड़ा दे रहे ले उन लोग,
दो दिन बाद बेचारा इंडिया जाने वाला था वैकेशन, डायरेक्ट अंधाधुंधी उड़ा रहे भाई, समझ रहे क्या? तो ये शॉट हुआ, ऐसा उड़े, फिर उन लोग रीज़न दिखाए कि यू नो व्हाट हैपेंड लास्ट ईयर 2023, वॉर वगैरह ये वो ऐसा वैसा, ये तो रीज़न है ना, समझ रहे क्या? ये तो रीज़न है। अभी बाकी पब्लिक भी तो है ना वहाँ पे जो अपने से ज़्यादा ब्लैक लिस्ट में, समझ रहे क्या? तो एकदम फेवरेट फेवरेट पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स, किसकी चीज़ है, किसकी हरकत है, ये हरकत किसकी है? ये मैनेजमेंट की है। अलशाया कंपनी एक नंबर है भाई, स्टारबक्स एक नंबर है, पब्लिक जो मैनेजमेंट है ना, अभी दुनिया इधर उधर हिल रही क्यों है? क्योंकि अपन लोग मैनेज कर रहे हैं ना, बराबर नहीं कर रहे अपन लोग, किसी को अच्छा किसी को बुरा, किसी को ज़्यादा किसी को कम, ये कर रहे हैं। तो वहाँ पे भी वही शॉर्ट हो रहा है, अपने को टेंशन नहीं है, मैं एकदम खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं भाई कसम से। मेरे को मेरे दोस्तों को भी पूछेगा ना, मैं एकदम फ्री, मेरे को पूछ रहे अब क्या करेगा, बोला क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, ऐसे ही रहेंगे जैसे अपन, जो होने का रहेगा होएगा, इंडिया जाने का जाएंगे, यहाँ रहने का रहेंगे, कहीं और जाने का वहाँ जाएंगे, जो ऑप्शन मिलेगा करेंगे अपन। मेरे को तकलीफ वो लोग की हो रही है जिसको बेचारे लोग को एक साल हुआ, दो साल हुआ, समझ रहे क्या? जो एक बोलते ना मेरी वीडियो देख के आए ले और उन लोग उड़ गए ले, समझ रहे? कोई कोई है, कोई कोई समझ रहे, ऐसा शॉर्ट हो रहा है। तो मेरे को तकलीफ उधर हुई, समझ रहे क्या? अब ये चीज़ अपन लोग किसको बोले, क्या बोले, कि अपन लोग ऑन कैमरा नहीं आके बोल सकते, अपने में गट्स नहीं है, है भाई बोल दिए ले, समझ रहे क्या? तो मैनेजमेंट भी अपने गाँव वाले सब, समझ रहे क्या? लेकिन ज़रूरत किसकी है, चार्टर किसकी है, सामने वाले की, समझ रहे? सामने वाला किसको बजा रहा है, अपने वाले को, लेकिन नीचे वाले को, ये रोल हो रहा है। सब मैनेजमेंट ऐसे नहीं है, बाकी पब्लिक भी रावस रावस है, सपोर्टिव है, कितने तो अपने बंदे लोग को बचा रहे, बोले नहीं यार नौकरी है लात नहीं मारने का ऐसा ऐसा। पर मेरे को कसम से बोल रहा हूँ, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, एकदम रावस हूँ मैं, बहुत खुश हूँ, सब सेट है मेरा कसम से। अभी मैं टर्मिनेशन लेटर सुबह में लेके आया, कोई टेंशन नहीं, काम छूट गया कोई टेंशन नहीं, समझ रहे क्या? सब इधर उधर हो गया, बी ए सब स्मूथ है, सब स्मूथ, अंटाइवा बोलते क्या? समझ रहे क्या? मेरा ऐसा रोल है अभी, मेरी कंडीशन ये है जब से मेरे को टर्मिनेशन का सुनने में आया एक हफ्ते से, ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो पब्लिक, वो अगले लोग, अब जो जो मेरे पास कांटेक्ट में आएंगे, तो जाहिर सी बात है ना भाई, मैं तो उन लोग को जॉब का क्या टेंशन है, इधर है ना भाई, तुम इधर है तो क्या टेंशन है। तो जितनी भी पब्लिक इधर कुवैत में फंसी है, स्टारबक्स के जॉब से मिस आउट हुई है, कुछ भी शॉर्ट हुआ है, इधर रहते हुए ही मेरे को मिलो, कॉन्टेक्ट करो, बात करो, मेरे को बताओ कि भाई मेरा ये एम्प्लॉय आईडी है, मैं ये स्टोर से बात कर रहा हूँ, अब मेरा भी, मेरे को भी उड़ा दिया, अब क्या करने का, मैं मिलूँगा भाई तुम लोग से, आके बात करूँगा, और तुम लोग की CV मैं खुद कंपनीज में जा जा के ड्रॉप करूँगा क्या? तो अपन लोग ये कर सकते तुम लोग के लिए। अभी तुम लोग सोचो मेरे को कितना लाइक अनबैलेंस हुआ रहेगा सारी चीज़ों में, हुआ रहेगा ना कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं मैं खुद बोल रहा हूँ हुआ रहेगा तो क्या है, मतलब समझ रहे क्या? लेकिन भाई सब अपन लोग हैंडल कर लेंगे, हो जाएगा, समझ रहे? अपने को मालूम है किससे कैसा क्या, अपन लोग भी कहाँ से, अपने को घर पे बैठ के भी आवक चालू है अपनी, समझ रहे क्या? तो वो सब टेंशन नहीं है भाई, अपन लोग बहुत आगे निकल गए, अपने को पहले से मालूम था कौन अपने साथ क्या करने वाला है, समझ रहे क्या? अपने लाइक पीछे भी दो आग लेके घूमते थे अपन हमेशा, ये शॉर्ट है। तो जितनी भी पब्लिक डीमोटिवेट हुई, और हाँ इंडिया में जितने लोग परेशान है कि भाई वीज़ा ऐसा ऐसा, देखो जो तुम लोग ने सुने HR डिपार्टमेंट से अगर मेल आएगा ना, फॉर श्योर कि नहीं हुआ, तभी यकीन करना, क्योंकि कंपनी तुम्हारा इंटरव्यू ली, रिक्रूटमेंट एजेंसी को हायर की, इतना सारा प्रोसेस की, इंटरव्यूज़ करवाई, फ्लाई करी इधर से उधर, जाहिर सी बात है अभी नहीं हुआ ना, नेक्स्ट बैच में तुम लोग को ही कॉल करके उन लोग बुलाएंगे। अगर ये साल नहीं हुआ ना, तो भी डीमोटिवेट मत रहो, बस अपना जो काम कर रहे हो करते रहो, कंटिन्यू रखो, रोको मत, जो अभी अभी जो फिलहाल की कंडीशन में हो ना, उसमें खुश रहो, 15,000, 13,000, 12,000 सैलरी उठा रहे ना इंडिया में, खुश रहो फिलहाल, क्योंकि दुख इधर वाले को ज़्यादा हुए हैं, इधर वाले के अरमान इधर पहुँचने के बाद ऐसा सडनली शॉर्ट हो गए। पब्लिक एयरपोर्ट से वैकेशन जा रही, तू उड़ गया है, जा वापस मत आ। समझ रहे क्या? कुछ भी रोल चालू है, एकदम अंधाधुंधी रोल है। तो इससे साबित होता है कि भाई अपन लोग कंपनी को फिर भी मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि कंपनी की हर एक चीज़ में पॉलिसी है, छोटी से बड़ी चीज़ में। कंपनी का ऊपर से प्रेशर आया उड़ाने का, वो सही है, लाइन बाय लाइन उड़ाना चाहिए ना, टाइम टू टाइम उड़ाना चाहिए। 20 साल वाले को उड़ा रहे, वो रो रहा, 18 साल वाले को उड़ा रहे, वो रो रहा, 1 साल वाले को उड़ा रहे, वो रो रहा। एक वो होता है ना, सबको चांस मिलना चाहिए, एज वाइज जाओ,
कुछ ऐसा ये नहीं, फेवरेट पॉलिटिक्स कौन खास है, हाँ ये खास है, इसको मत उड़ा, ये अच्छी दिखती है इसको वटा, और हाँ ये इसको आन दे, इसको उड़ा दे, इसको बहुत ज़्यादा समझ में आ रहा है, ऐसा रोल होता है अंदर ही अंदर खुली ऐसी अल्फाजों में हिंदी में, समझ रहे क्या? तो ये रोल है भाई, तो हर चीज़ का है भाई, किधर भी जाएंगे ऐसे सब बचकानी हरकत करने वाले मिलेंगे, तो हर जगह पे ये खाली इधर नहीं है, मैं बोल रहा हूँ हर जगह, कंपनी जहाँ सपोर्ट करने का फट्टे सपोर्ट करती है, बैकअप देने का, एम्प्लॉय लोग को पकड़ के रखने का, स्टारबक्स एक टाइम पे सेफ माना जाता था। मैं ये नहीं बोल रहा चलो ब्रांड ट्रांसफ़र हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ हो जाएगी, ब्रांड ट्रांसफ़र नहीं होगा, लाइक तुम वहाँ से टर्मिनेट होके वापस ज्वाइन होगी, ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन सेम ब्रांड में नहीं होगी। तो अपॉर्चुनिटीज़ है, कंपनी नहीं दे रही ऐसा नहीं दे रही, लेकिन जो हरकती लोग हैं, जो इन लोग ये सब हरकत कर रहे बीच में रह के, जो अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठा रहे, क्योंकि मैं उन लोग को ना, जो जिससे मेरी आड़ी रहती थी ना मैनेजर लोग से, उन लोग को एक ही चीज़ बोलता था, आफ्टर गेटिंग द पोजीशन पीपल आर थिंकिंग अबाउट देम सेल्फ एज अ गॉड, समझ रहे क्या? इतनी जल के राख होती ना, इतनी जल के राख होती, क्योंकि सच्चाई बोल रहा हूँ ना, तुम लात मारने जा रहे किसी के पेट पे, ऊपर वाला है रोजी रोटी देने वाला है कि नहीं भाई? तो ये रोल है, देखते हैं अभी क्या है क्या नहीं। मैं अपना इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि भाई मैं उड़ गया हूँ, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, नहीं तो बहुत पब्लिक सोचती होगी ना बैठ बैठ के, ब्लॉग नहीं आ रहा है वा, ब्लॉग नहीं आ रहा, क्या हो गया है? तो ब्लॉग आएगा, आगे मेरे साथ क्या होएगा, मैं क्या करता हूँ पर्सनल लाइफ में, और यहाँ रह के क्या करता हूँ एड़े चाले आगे चल के, सब बताऊँगा, लेकिन मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए, क्योंकि मेरा भी समझ रहे क्या भाई, 6-6 बैंक अकाउंट है इधर मेरे अरे माँ क्या बोल रहा, 6-6 7-7 काम है मेरे पास, मेरे बैंक अकाउंट है, मेरी सैलरी है, ये है वो है, और मेरे को करने का है, मेरे को लाइक अभी मैं अभी नहीं बोल सकता, ज़्यादा टाइम हो गया है, मैं तुम लोग को सीधा ला के सामने रख दूँगा कि भाई मैंने ये चीज़ किया, मेरे को ये अच्छी लगी तो मैंने ये चीज़ किया, ऐसा तुम लोग को मेरा वादा है बताऊँगा, लेकिन मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए, अभी ब्लॉग थोड़ा रुक रुक के आएगा, समझ के लो, लेकिन जो भी होएगा मेरे पर्सनली लाइक मेरे साथ जो भी होएगा सामने रहेगा, ठीक है? तो यही सब सीन था पब्लिक, वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करो भाई, और जितना मिल रहा उतने में खुश रहना सीखो, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करो भाई, और प्यार बांटते रहो, नफरत करके कुछ फ़ायदा नहीं है, मेहनत करते रहो भाई, काम होएगा। तो मिलते गाइस अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट में अपना फीडबैक याद से देना, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय, लव यू, फुल घुमा दिए लव यू।